अगर आपको भी इस तरह का ये फ्लैग कंटेंट आया है, यहाँ पे ये देख रहा है सी वाई लिख रहा है, यहाँ पे फैसल इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, यानी कि ये प्रॉब्लम जब आपको आया है तो ये 100% सोल्व हो जाएगा। मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। और दोस्तों ये आता क्यों है और मैंने क्या चीज़ पोस्ट किया था जिसकी वजह से ये हमको प्रॉब्लम ये वाला आया है, मैं यहाँ पे फेसबुक में भी चल के दिखा देता हूँ। मैंने स्क्रीन शॉट कर लिया था ताकि कहीं बाद में हट जाएगा तो फिर दिखाने में प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पर ये रहा, देखिए ये हमने इस प्रकार से लिखा था, ये जो है यहाँ पर पोस्ट कर दिया था, जिसके वजह से यहाँ पे देख रहा है सी वाई पे हम क्लिक करेंगे तो ये दिखेगा कि मैंने क्या पोस्ट किया था, जिसके वजह से जो है यहाँ पे ये कंटेंट इस प्रकार से आ रहा है। और इसको मैं ट्रांसलेट भी करके दिखा देता हूँ हिंदी में कि ये लिखा हुआ क्या, ऐड कर देता हूँ जैसे कि देख पा रहे हैं। यहाँ पे ट्रांसलेट करने के बाद यहाँ पे ये दिखा रहा है कि झूठी सूचना उसी जानकारी को स्वतंत्र तथा जाँचकर्ताओं द्वारा एक अन्य पोस्ट में जाँच किया गया, यानी कि ये जो खबर मैंने ये वाला जो पोस्ट डाला है जो है ये कि झूठा कोई सूचना है, झूठा है। तो अब हम इसको कैसे रिमूव करेंगे, चलिए मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, अपने फेसबुक को ओपन कर लेना है। जैसे आप फेसबुक ओपन करेंगे यहाँ पे आपको अपने प्रोफाइल में आ जाना है क्लिक करके, और यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे सी डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से शो हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे रिकमेंडेशन पे भी आप क्लिक करेंगे तो आपको जो वही वाला प्रॉब्लम है यहाँ पे ये इस प्रकार से शो होता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैनेज कंटेंट इस पर क्लिक करना है, उसके बाद इस तरह से इंटरफेस आएगा, यहाँ पे क्लिक कर देना है इस वाले पे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा और वही वाला जो कंटेंट यहाँ पे दिखा रहा है जो प्रॉब्लम आया था, तो यहाँ पे सी वाई पे क्लिक करके आप यहाँ से देख सकते हैं इसको कि कौन सा कंटेंट था। और मैं एक पोस्ट भी आपको दिखा देता हूँ कि मैंने पोस्ट क्या किया था, जो कि यहाँ पे ये रहा, ये वाला पोस्ट था, देख पा रहे हैं ये पे मैं इस प्रकार से ये लिखा हुआ है, जो कि इस तरह का ये सूचना नहीं था लेकिन मैं फनी की वजह से मैंने पोस्ट कर दिया था एक पेज पर, देखा कि होता कि नहीं है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम आ गया, तो ये प्रॉब्लम आने के कारण हमको ये टॉपिक भी मिल गया और मैंने वीडियो बना दिया आपको। तो इसको हटाने के लिए यहाँ पे देख पा रहे हैं उस तरह से आए हैं। उसके बाद यहाँ पे टी एक्शन पे नीचे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे सी एक्शन दिख रहा है तो सी एक्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद डिलीट पोस्ट पे क्लिक कर देना है और फिर डिलीट पोस्ट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ये जो है यहाँ से डिलीट हो जाएगा। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ तो देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो इशू था यहाँ पे हट चुका है। सो गाइस, तो अब यहाँ पे आपको सी डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि पेज रिक्वेस्ट जो था वो सही हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देख रहा है मेरा पेज रिक्वेस्ट जो है बिल्कुल यहाँ पे जो था प्रॉब्लम वो यहाँ से हट चुका है। और यहाँ पे मैं मोनेटाइजेशन भी देख लेता हूँ एक बार कि मोनेटाइजेशन में कोई यहाँ प्रॉब्लम तो नहीं आया है। तो यहाँ पे मोनेटाइजेशन वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इन स्ट्रीम वाला जो यहाँ पे ये मोनेटाइजेशन है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि जो आपका मोनेटाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं आया है। तो देख पा रहे हैं मेरा यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और वो प्रॉब्लम जो था यहाँ से बिल्कुल फट चुका है। तो इस प्रकार से जो है आप अपने पोस्ट को रिमूव कर देंगे तो आपका ये फ्लैग कंटेंट वाला खत्म हो जाएगा और कोई भी चीज़ आप गलत पोस्ट करते हैं जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ जाती है।